जसपुर में एसडीएम कार्यालय में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड आदि के मुद्दे छाए रहे। एसडीएम ने प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश को मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि तहसील दिवस पर न पहुंचने वाले बीडीओ सहित आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करने का आदेश भी दिया है। लाइव उत्तराखंड के लिए जसपुर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। आज तहसील दिवस में वर्तमान 12 बजे तक 9 शिकायतें पंजीकृत की गई, जिसमें 2 का मेरे द्वारा मौके पर डिस्पोजल कर दिया गया, 3 का कर दिया, और 3 शिकायतें ऐसी जो राजस्व भूमि पे इंक्रोचमेंट से, अवैध अतिक्रमण से रिगार्डिंग है। तो उसमें मेरे द्वारा संबंधित जो राजस्व निरीक्षक है, पुलिस है, उनको मौके पर भेज दिया कि जिस व्यक्ति के द्वारा भी अवैध कब्जा किया गया, उसके खिलाफ जो है शीघ्र आज ही FIR दर्ज करवाएं, ताकि सरकारी भूमि तत्काल अवमुक्त कराई जा सके। तीसरा, 3 अधिकारी आज जो है अब्सेंट है, BDO जसपुर, CMS जसपुर और CDPO बाल विकास कॉलेज में अधिकारी, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। और एक JEE है जो नलकूप के, उनको मौके पे एक नलकूप से रिगार्डिंग एक समस्या थी, तो उसको मौके पे भेज तुरंत मेरे द्वारा मौके पर उसे भेजेगी, कभी जो उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।